नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। जेजेपी और बीजेपी सरकार के गठबंधन के एक साल पूरा होने पर हिसार में आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार में ही सिरसा को 12 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इनमें से करीबन 54 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 5 परियोजनाओं का उद्घाटन तथा 7 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इस अवसर पर सिरसा में सरल केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में सांसद सुनीता दुग्गल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास अपने कर कमलों से किया। इस अवसर पर सुनीता दुग्गल ने समारोह में संबोधित करते हुए कहा कि सिरसा में विकास की गति आने वाले दिनों में और तेज होगी। उद्घाटन समारोह के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सुनीता दुग्गल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने एक साल गठबंधन सरकार के पूरा होने पर पूरे प्रदेश में 100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी है। उन्होंने कहा कि सिरसा और उसके और 54 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं की सौगात दी गई है, जिसमें से 33 KV बिजली घर व ग्रामीण सड़क परियोजना शामिल हैं। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। देखिए, मैं पूरे प्रदेशवासियों को आज जो है हरियाणा सरकार का एक साल पूरा होने पर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो है वो पिछले दिनों यहाँ पर लाल डोरा में हमारे सभी ग्रामीण जो वासी हैं उनको स्वामित्व दिया था, और इसके साथ साथ आज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से 100 करोड़ से भी ज़्यादा की जो विकास की योजनाएँ हैं वो पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है आज उनका शिलान्यास किया है, तो मैं बहुत बहुत उसके लिए धन्यवाद करना चाहती हूँ। जिसके तहत जो हमारा सिरसा जिला है उसमें भी 54 करोड़ रुपए जो हैं उससे जो है इनॉग्रेशन और फाउंडेशन स्टोन जो हैं आज लगाए गए हैं। तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि आप ये देखिए कि 3 जो है वो 33 KV स्टेशन जो है हमारे आज उनका उद्घाटन हुआ है, और 4 ग्रामीण सड़क योजनाएँ जो उनसे हैं उनका शिलान्यास हुआ है, और इसके साथ साथ एक सामुदायिक केंद्र जो रानिया में उसका आज उद्घाटन हुआ है, और एक जो हेल्थ सेंटर है उसका आज उद्घाटन हुआ है, और एक हेल्थ सेंटर का जो है वो आज फाउंडेशन स्टोन जो है वो ले हुआ है। तो इतनी सारी योजनाएं जो हैं आज जो है हमारे सिरसा वासियों को सौगात के रूप में आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की तरफ से मिली हैं, तो मैं सभी सिरसा वासियों को इस बात के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उनको समझाने की, और समझ भी रहे हैं, धीरे धीरे जो है हमारे किसान भाई समझ रहे हैं कि जो ये तीनों कानून है वो उनके फायदे में है। अभी आप ये देखिए कि खरीद जो है उसमें कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही है, और जहां कहीं पर भी जो दिक्कत आ रही है उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल ऑफिसर्स जो है उसके लिए चिन्हित किए हैं और स्पेशल ऑफिसर्स लगाए हैं, और उन सबकी उन्होंने जो है ड्यूटी लगाई है कि आप देखिए कि कहीं पर भी हमारे किसान भाइयों को कोई दिक्कत ना आए उनकी खरीदी में। और आप ये देखिए कि खरीफ की फसल की जो MSP है उसके साथ साथ रबी की जो है वो भी अभी से पहले घोषित कर दी है, तो मुझे लगता है कि हमारे किसान भाई धीरे धीरे इन बातों को समझेंगे, और जो विपक्ष के लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी बरगलाने की कोशिश कर रही है उनकी बातों में नहीं आएंगे। और फिर भी हम विश्वास दिलाते हैं कि अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो हम उनके साथ हैं, दिन रात हमारे किसान भाइयों के हम साथ में हैं, उनको किसी भी तरह से किसी भी कीमत पर कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आने दी जाएगी। विकास देखिए, आपने देखा ही है कि किस तरह से आज जो 54 करोड़ रुपए की जिस तरह से इनॉग्रेशन और फाउंडेशन स्टोन हुआ है, इसी तरह से अभी एक ही साल हुआ है तो अभी 4 साल हमारे पास बाकी हैं, और केंद्र में भी बाकी हैं, और इसके साथ साथ हरियाणा सरकार के भी 4 साल बाकी हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सबका साथ सबका विकास इस नीति को चरितार्थ करते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी जो है वो हमारे हरियाणा प्रदेश को बहुत आगे लेकर जाएंगे, इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है। और खासकर सिरसा की मैं बात करूं तो इसके लिए तो हम स्पेशल जो है वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को समय समय पर कहते रहते हैं कि आप सिरसा को जो है वो इस नजर से ना देखें कि यहाँ पर हमारी भारतीय जनता पार्टी का अगर एक भी विधायक नहीं है तो यहाँ पर किसी तरह से कोई सौतेला व्यवहार होगा। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और हमें स्पष्ट किया कि आप निश्चिंत रहें, सिरसा को जो है और ज्यादा तेज गति के साथ हम विकास के लिए आगे लेकर चलेंगे, इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है। और बड़ौदा उपचुनाव 101% जिस तरह से जींद में पहली बार कमल का फूल खिला था, उसी तरह से बड़ौदा में भी पहली बार जो है आपकी बार भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल खिलेगा, हमें इस बात की पूरी उम्मीद है। क्योंकि योगेश्वर जो हमारे कैंडिडेट हैं वो सिर्फ हरियाणा में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया के अंदर उनका नाम है, तो मुझे लगता है कि खिलाड़ी वर्ग जो है, युवा वर्ग भी जो है वो चाहता है कि हमारे योगेश्वर जो है वहां से आपकी बार विधायक बने और विधानसभा में पहुंचे। देखिए, दावा तो करेंगे ही, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी बार भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल वहां पर खिलेगा, 100% खिलेगा। क्योंकि वहां पर इससे पहले चाहे कांग्रेस और INLD उनके विधायक रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह का विकास उन्होंने उस एरिया का नहीं किया, तो अबकी बार वो लोग चाहते हैं कि हम सरकार के साथ चलें, सरकार के साथ रहें, और इसलिए और कैंडिडेट भी बहुत अच्छा है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि अबकी बार भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल बड़ौदा में जरूर खिलेगा।
और यहाँ आज की हमारे माननीय मंत्री हरियाणा सरकार चौधरी रंजीत सिंह जी का शुभारंभ हमारे बीच में हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी, बिजली मंत्री हरियाणा सरकार चौधरी रंजीत सिंह जी का, और साथ ही स्वागत करते हैं अन्य विशेष अतिथियों का। आप सभी का है जो सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए विधानसभा चुनावों के दौरान दिया था। सरकार का संकल्प है कि प्रदेश के हर जिले में 21 जिले में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के एक साल पूरा होने पर आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी निसार से राज्य स्तरीय जो समारोह कर रहे हैं उस समारोह में कार्यक्रम में और आप सब लोग इसके साक्षी बने, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वाहा, इष्टदेव स्वाहा, कुलदेव स्वाहा।